नमस्कार, मैं राकेश टैक्स जंक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने एनईपी 2020 के पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है। ये पॉलिसी ऐसी है कि जो अपनी ड्रीम पॉलिसी है, मतलब हम सपने में सोचा करते थे कि काश मुझे अपने मदर टंग में पढ़ाई करने का मौका मिलता था। हम सोचते थे कि मुझे जो सब्जेक्ट पसंद है वही सब्जेक्ट की ही पढ़ाई मुझे करने को मिलती थी। मेरे पे जैसे मेरी बात करें, मैं कॉमर्स वाला बंदा हूँ, मुझे ऐसा फिजिक्स बायोलॉजी ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में नहीं जाते थे। तो गवर्नमेंट ने ये वाली पॉलिसी तब होती तो मुझे कितना अच्छा लगता था, मैं सिर्फ बिजनेस कॉमर्स रिलेटेड ही पढ़ाई कर लेता था। ये ऐसी पॉलिसी है कि यहाँ पे आप अगर कभी पढ़ाई स्किप कर लो, बाहर निकलो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक गवर्नमेंट बनाने वाले है, जिसके तहत आपका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये पॉलिसी ऐसी है कि जिसमें HRD मिनिस्ट्री है वो हम उसको जानने वाले हैं आगे चल के एजुकेशन मिनिस्ट्री करके। तो इतने सारे बदलाव गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं 1986 के बाद। 1986 के बाद आया हुआ है ये सबसे बड़ा बदलाव है। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है, इसके ऊपर कैसे एक्शन लेने वाले गवर्नमेंट, ये बातें तो बाद की चर्चा है, लेकिन अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानकारी लेना कि गवर्नमेंट अपने को कौन से सपने दिखा रहे हैं। तो आइए करते हैं इस पॉलिसी के बारे में हम डिटेल में बातचीत। तो ये है एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये पॉलिसी के तहत हमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी को तीन सेक्शंस में बंटवारा किया है। सबसे पहला सेक्शन जहां पे गवर्नमेंट स्कूली शिक्षा के लिए क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे सेक्शन में गवर्नमेंट अपने को उच्च स्तरीय शिक्षा के रिलेटेड बात करते हुए नजर आते, और उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट अपने को टीचर्स रिलेटेड क्या क्या बदलाव है उसकी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कूली शिक्षा में गवर्नमेंट क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं। तो पहले पैराग्राफ में ही गवर्नमेंट का ये फोकस हमें नजर आ रहा है कि जो बच्चे स्कूल से दूर रहे वो लगभग 2 करोड़ बच्चे है, और वो 2 करोड़ बच्चों को गवर्नमेंट मुख्य धारा में वापस लाना चाहती है। तो मतलब ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके घर में गरीबी होती है, या फिर जिनके घर में शिक्षा का महत्व नहीं रहता, या फिर जिनके ऊपर बहुत जल्दी जिम्मेदारी आती है इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाते, उन सबको गवर्नमेंट मुख्य शिक्षा के धारा में लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल में बुनियादी ढांचे का विकास और नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना करने वाले है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले ही गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको सबको एजुकेशन देना है, गवर्नमेंट को ऐसा किसी को भी नहीं रखना है, कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ही गवर्नमेंट चाह रही है 100% होना चाहिए 2030 तक। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% होना चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट का पहला फोकस है कि जो बच्चे धारा में नहीं है उनको वापस लिया जाएगा धारा में एजुकेशन के। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा गवर्नमेंट हमें यहां बताते कि 10+2 का जो ढांचा है उसको गवर्नमेंट ने अब बंद कर दिया है। अब जो आपका एग्जाम का ये रहेगा ढांचा जो रहेगा आपका पढ़ाई का, वो रहेगा 5+3+3+4। इसका गवर्नमेंट ने उम्र भी हमें बताया है कि आप 5 का जो आपका ग्रेड रहेगा वो आप 3 से 8 साल के उम्र में हासिल कर सकते हो। इसके बाद 3 का जो आप ग्रेड रहेगा वो आप 8 से 11 के उम्र में आप हासिल कर सकते हो। उसके बाद अगले 3 का जो ग्रेड रहेगा वो आप 11 से 14 के उम्र में आप हासिल कर सकते हो। उसके बाद आखिरी जो 14 से 18 के उम्र के लिए आप फाइनली 4 ग्रेड हासिल कर सकते हो। मतलब टोटल आपका जो एजुकेशन रहेगा वो रहेगा 6+5+11+4 15 साल का आपका एजुकेशन रहेगा, और आपकी उम्र उसमें रहेगी 3 से 18 साल की। 3 साल के एज में आप अपना एजुकेशन स्टार्ट करोगे, बच्चे जो है स्कूल जाना चालू करेंगे 3 साल की उम्र में। इसमें गवर्नमेंट ने और भी एक बात बोली है कि 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं उनको एक्चुअली करिकुलम में उनको शामिल नहीं किया जाता। उनका जो वो जब KG वगैरह पढ़ाई करते रहते या फिर जो आंगनवाड़ी में या फिर प्री स्कूलिंग में रहते वो काउंट नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट ने अब ये जो उनका एजुकेशन है 3 से 6 साल बच्चों का वो स्कूली पाठ्यक्रम में लाना चाहते हैं। मतलब उसके लिए भी गवर्नमेंट सिलेबस वगैरह सारी चीजें डिसाइड करने वाले है। और मतलब जहाँ पे हम बोलते हैं कि विश्व स्तर पे ज्यादातर की ऐसी बातें होती है चाइना में, चाइना के लोग में 3 से 6 साल के बच्चों को पे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहाँ वो उम्र जो होती है जहाँ पे मानसिक विकास के लिए वो महत्वपूर्ण चरण रहता है, इसलिए अपने देश में भी ये चीजों पे ध्यान दिया जाने वाला है। इसके बाद अगले एक
फेज में गवर्नमेंट बात करते हुए नजर आते हैं कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। बुनियादी साक्षरता मतलब ऐसा होना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जो स्कूल में जाते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते या फिर कुछ कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, तो ये बेसिक एजुकेशन है वो हर किसी को मिलना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान ये बुनियादी साक्षरता में लगा हुआ है कि गवर्नमेंट चाहते कि सब लोग जो है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। गवर्नमेंट ने अपने प्रौढ़ जो लोग होते उनके लिए भी, एजेड लोग होते उनके लिए भी गवर्नमेंट ने 100% का टारगेट लिया हुआ है, उनका भी 100% एजुकेशन होना चाहिए ऐसा गवर्नमेंट ने टारगेट लिया हुआ है। इसके बाद गवर्नमेंट ने स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार लाने की सोची है, ठानी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला है कि विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषय चुनने के लिए विकल्प दिए जाएंगे, बच्चों के ऊपर कोई विषय थोपा नहीं जाएगा, उनको अपना विषय वो चुन सकते हैं। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्यत्तर गतियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप से कोई भी भिन्नता नहीं होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे साइंस पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ने वाले बच्चे आर्ट्स पढ़ सकते हैं, इसमें आप अब कोई ऐसा ये नहीं होने वाला, भेदभाव नहीं होने वाला, सारे जो स्ट्रीम से बच्चों को अपना अधिकार होगा कि वो अपना सब्जेक्ट चुने, जो उनका इंटरेस्ट है वो अब पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोली है, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मेरे को बचपन में ही मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कॉमर्स जाऊंगा और कॉमर्स जाके मैं सीए बनूंगा, तो मैंने अगर ऐसा सोचा था तो मैं जब अगर पढ़ता हूँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो मुझे जिंदगी भर काम नहीं आने वाले, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारी चीजें मुझे अब कभी काम नहीं आने वाली, तो अभी वो मुझे जबरदस्ती पढ़नी पड़ी थी, तो ये वाली चीजों के लिए अब आने वाले पीढ़ी में बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि आप छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, आप वोकेशनल कोर्सेज जो है वो आप छठे ग्रेड से ही लेना चालू करोगे और इसमें आपको इंटर्नशिप भी मिलने वाली है, मतलब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आप इसका कर सकते हो। छठे ग्रेड में आप कब जाओगे, यहाँ पे हमने बात करी थी आप छठे ग्रेड में कब जाओगे, तो आप जाओगे 8 की उम्र में, पहला 5 साल का तो आपका ये रहेगा, पहला 5 साल का आपका ये रहेगा, उसके बाद का जो रहेगा 8 की उम्र में आप छठे ग्रेड में जाने वाले हो। तो छठे ग्रेड के लिए आप 8 की उम्र में जाओगे तभी से आपको वोकेशनल कोर्स जो है वो आप चालू कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोली है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का मेन फोकस हमें नजर आ रहा है कि आपको भाषा कोई भी आपके ऊपर नहीं थोप सकता है, कोई भी भाषा आपके ऊपर नहीं थोपी जाएगी, मतलब आप अपने कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा होगा कि आप ग्रेड 8 तक अपने मातृभाषा में पढ़ाई करें, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा का ही आप शिक्षा का माध्यम रखें। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अपने देश में ऐसी मान्यता है कि जिन बच्चों को इंग्लिश आता है वही बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। मैं आपको बताऊं, इंटेलिजेंस का और इंग्लिश का कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं होता है, लेकिन अपने देश में ऐसी मान्यता बनती जा रही है, इसके लिए ये अच्छा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लाया है। और साथ ही साथ त्रिभाषा फॉर्मूले का भी विकल्प गवर्नमेंट ने शामिल किया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। गवर्नमेंट ने ऐसा भी बोला है कि आप विदेशी भाषाओं को भी अपने पढ़ाई के समय चुन सकते हो, मतलब आपकी विदेशी भाषा आप फ्रेंच जर्मन भी आप पढ़ते हुए चुन सकते हो, आपके ऊपर कोई भी भाषा थोपने वाला नहीं है आपने कौन सी भाषा में पढ़ना है। कम से कम 5वीं ग्रेड तक तो आपको अपने भाषा में पढ़ने का पूरा अधिकार है, 8वीं तक आप पढ़े तो और ज्यादा अच्छा है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। भारतीय संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज IESL को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे बधिर है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने सोचा है, अपनी साइन लैंग्वेज जो है इनका मानकीकृतकरण किया जाएगा। इसके बाद और क्या बदला है, तो सबसे इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला आकलन में सुधार, सारे के सारे विद्यार्थी जो है 3, 5, 8 में स्कूली परीक्षा देंगे।
मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो होने वाली है, लेकिन उसको जो है वो अलग रूप दिया जाएगा, अलग स्वरूप दिया जाएगा। ये जो 10वीं 12वीं के एग्जाम होने वाले ही है, लेकिन इसको अलग स्वरूप दिया जाने वाला है। वो क्या है अभी तक नहीं सामने आया है, लेकिन गवर्नमेंट का ये है कि तीसरी, पांचवी और आठवीं में आपके परीक्षा होने वाले हैं। जैसे पहले 10वीं में है बच्चा तो पढ़ाई करनी पड़ती है, 12वीं में है बच्चा तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अब ये है 3, 5, 8, ये उम्र में आपको एग्जाम आपकी होने वाली है। बाद में आपकी एग्जाम नहीं होने वाली है, इसका मतलब ये भी हमें नजर आ रहा है फिलहाल। बाद में हमें क्लैरिटी आएगी, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि 3, 5 और 8 के ग्रेड में ही स्कूल की परीक्षा आप देने वाले हो, बाकी परीक्षा आप नहीं देने वाले हो, ऐसा मतलब ये लाइन से निकल रहा है। साथ ही साथ इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है कि जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जिनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई है, उनको लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि वो बच्चे जो है वंचित नहीं रह जाए। इसके तहत सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों के लिए गवर्नमेंट ने सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल है। मतलब जो बच्चे गरीब है वो पढ़ नहीं पाए हैं, या फिर जो बच्चे हैंडीकैप है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग प्लान बनाए हुए हैं। उनकी शिक्षा प्रक्रिया में उनको भाग लेने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए गवर्नमेंट पूरा ध्यान देने वाली है। मतलब हैंडीकैप बच्चों के लिए भी, बधिर बच्चों के लिए भी, गरीब बच्चों के लिए भी, जो बच्चे शिक्षा से बाहर गए उनके लिए भी, और साथ ही साथ 3 से 6 साल के बच्चे हैं जिनका मानसिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पीरियड में भी, वो वाले एजुकेशन को भी गवर्नमेंट एक्चुअली एकेडमी में, एकेडमिक सिलेबस में कंसिडर करने वाले हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट बदलाव हमें नजर आ रहे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है, ये शिक्षकों के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी टीचर होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि टीचरों का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा एज अ टीचर पोजीशन, तो वो पार्शियल प्रोसीजर से किया जाएगा। उनका जो प्रमोशन होने वाला है जिसमें समय समय पर उनका कार्य प्रदर्शन का आकलन करने और करियर में आगे बढ़कर शिक्षकों को शैक्षणिक प्रशासक या फिर शिक्षा विशारद विशारद बनने की व्यवस्था की जाएगी। मतलब जहां पे हमें नजर आता है कि जो भी टीचर्स होते हैं उनका एक लिमिटेड करियर रहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शिक्षक लोगों के लिए एक अच्छा मौका मिलने वाला है, वो शैक्षणिक प्रशासक या फिर शिक्षा विशारद बन सकते हैं। उसके लिए उनका प्रमोशन जो होगा वो उनके एफिशिएंसी पे होगा, उनके पैशन पे डिपेंड होने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोली है। तो ये हो गया स्कूली शिक्षा के लिए। तो अभी हम बात करते हैं उच्चतर शिक्षा की, हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 50% करना चाहते हैं गवर्नमेंट। मतलब हायर एजुकेशन लेने वाले लोग जो है वो अपने देश में 2018 तक सिर्फ 26.3% स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन लेते थे, बाकी सारे बच्चे जो है वो एजुकेशन छोड़ देते थे, काम पे लग जाते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट का अभी टारगेट रखा है 2035 तक 50% बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट सीटें बढ़ाने वाली है, 3.5 करोड़ नई सीटें बढ़ाने वाली है। कई बार क्या होता है सीटें अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए भी बच्चों का या और फिनेंशियली पोजीशन ठीक नहीं रहती, तो इसलिए बच्चे धड़ाधड़ एजुकेशन छोड़ के काम पे लग जाते। उसके लिए गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में भी ये बदलाव प्रपोज किया है। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम आने वाली है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जैसे कॉमर्स, साइंस, आर्ट, ऐसे अलग अलग टाइप के अपने यहाँ डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है कि बच्चे जो है अपना विकल्प अपना चुन सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री पढ़ते हुए आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हो अगर आपको लगता है आपके करियर में वो काम आ सकता है, या फिर अकाउंट्स पढ़ना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंस के बच्चों के लिए, तो वो सब्जेक्ट भी वो अपने साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होने वाला है। व्यावसायिक शिक्षा का भी उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यावसायिक शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन जब हम करते रहते हैं तो व्यावसायिक शिक्षा में आपको मल्टी डिसिप्लिन का अप्रोच आपके सामने होना चाहिए। तो ये चीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे कवर करी है। गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। मतलब ऐसा हो जाता है कि कई बार बच्चे जो है वो एजुकेशन स्किप कर देते हैं,
मतलब एक साल हो गया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, फिर बाद में उनको वापस आना है तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत। मतलब उनका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा, वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपना जो एजुकेशन है वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि आपका प्रमाणन जो होगा वो 3 या 4 साल तक का आपका डिग्री का प्रमाणन हो सकता है। मतलब एक साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद स्नातक की डिग्री मिलेगी, 4 साल के बाद आपको शोध के स्नातक की डिग्री मिल सकती है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आपने, अगर आपके मजबूरी हो या फिर आप अचानक से आपने छुट्टी ले ली और फिर वापस आपको अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है, आप कभी भी आके आप अपना सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। आपका सारा क्रेडिट जमा हो जाएगा, पुराना जितना आपने पढ़ा लिखा है वो सारा सेव होते रहेगा और आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बात बोली है कि मेरू की स्थापना की जाएगी, MERU, मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाने वाली है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, ऐसी स्थापना किए जाने वाले हैं, जिसके तहत आपका जो मल्टी डिसिप्लिन है, मतलब पहले होता था कॉमर्स का अलग कॉलेज या फिर साइंस का अलग कॉलेज, ऐसा नहीं होगा, अब मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज बनने वाली है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और ये जो विश्वविद्यालय बनने वाले हैं ये IIT IIM के लेवल के हो सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात हमें नजर आती है कि MPhil जो PhD करने के पहले आपको करना होता है MPhil, तो वो MPhil अब बंद होने वाला है, MPhil अब करने की जरूरत नहीं है, वो बंद होने वाला है। इसके बाद गवर्नमेंट ने और एक बात बोली है कि HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारत उच्च शिक्षा आयोग, इसकी भी स्थापना की जाएगी। ये उच्च शिक्षा आयोग के 4 अलग-अलग वर्टिकल होने वाले हैं। ये आयोग होता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ये जो बॉडी होगी ये सारा एजुकेशन अपने देश का कंट्रोल करने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें लीगल और साथ ही साथ मेडिकल के स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो इसमें कवर नहीं होने वाली है, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन होने वाला है और वो कमीशन के तहत सारी चीजें मैनेज होने वाली है। इसके 4 अलग-अलग वो वर्टिकल बना के करने वाले हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि जो विश्वविद्यालय होते हैं, मतलब अभी आगे जाके क्या होने वाला है, जो भी महाविद्यालय होंगे वो महाविद्यालय भी अपने तरफ से डिग्री दे सकते हैं। एक स्वायत्ता शासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय भी विकसित हो जाएंगे। मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कॉलेजेस भी अपने तरफ से डिग्री दे सकते हैं कुछ समय बाद, ये भी गवर्नमेंट ने प्रावधान यहाँ पे करके रखा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि अगर अध्यापक शिक्षण, अगर आपको एजुकेशन लेना है वो भी ऐसा लेना है कि आपको टीचर बनना है आगे जाके, तो आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA डिग्री आपको लेनी पड़ सकती है। 2030 तक ऐसा शिक्षण, आपको 4 वर्षीय BA डिग्री लेनी पड़ सकती है अगर आपको टीचर का, अगर आपको जॉब करना है तो। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बात बोली है, जो भी एक्सपर्ट है शिक्षा में उन सब का क्या किया जाएगा, एक गठन किया जाएगा, उनका एक बड़ा पूल बनाया जाएगा जिसमें सारे के सारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षा फील्ड के जो भी लोग हैं वो सारे एक हो जाएंगे और भारतीय भाषाओं को पढ़ाने की क्षमता वाले लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे और वो लघु और दीर्घकालिक परामर्श व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे। ये लोग जो है वो एकत्रित किए जाएंगे और ये शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, वरिष्ठ और सेवानिवृत्त लोग ये भी एक किए जाएंगे। ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करें, तो आपको ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल शिक्षा की अगर हम बात करें, जैसे ये बीमारी फैली थी तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन बहुत बच्चे हैं जिनको ये सेवाएं मिल नहीं पा रही थी या फिर बहुत कॉलेजेस है जिनके पास ये रिलेटेड सिलेबस रेडी नहीं थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसके लिए MHRD में क्या किया जाएगा, डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी, एक पूरा डेडिकेटेड टीम वहां पे अलॉट किया जाएगा
जो इस पे काम करेगा ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए, सिलेबस से लेके सारा कंटेंट से लेके और सारी फैसिलिटी बच्चों को मिलने से लेके सारी चीजों का वो ध्यान रखने वाला है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं गवर्नमेंट। जैसे बात करते हैं हम कि अपने भाषा है जो पाली है, फारसी है, ये भाषा है, और ये भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने का भी गवर्नमेंट सोच रही है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट कह रही है कि अपने देश की जो भाषा है संस्कृत भाषा है, और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने के लिए ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रम में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने जो राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है, उनका आप शिक्षा देते हुए आप उपयोग करना चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। अपनी भाषा है उसके लिए गवर्नमेंट एक राष्ट्रीय संस्थान बनाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये भाषा की कमिटी की इंस्टीट्यूट की स्थापना हो सकती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बोला है कि सारे के सारे व्यावसायिक शिक्षा है इनको उच्च शिक्षा प्रणाली में ही काउंट किया जाने वाला है। सारी व्यावसायिक शिक्षा जिसको हम उच्च शिक्षण प्रणाली, जैसे हम बोलते हैं कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, तो उसके लिए सारी व्यावसायिक शिक्षा जो है वो एक ही शिक्षण प्रणाली का भाग माना जाएगा। मतलब डेडिकेटेड नहीं रहेगी अभी व्यावसायिक शिक्षा कि पर्टिकुलर आप बन गए तो आप ज्यादा एक्सपर्ट हो, जैसे आप CA बन गए, डॉक्टर बन गए तो आप ज्यादा एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं। सारी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अंग माना जाएगा आगे जाके। साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 100% युवा और प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता की प्राप्ति करना गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक बुनियादी एजुकेशन देने का, तो गवर्नमेंट का इस पे ध्यान हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है एजुकेशन का, गवर्नमेंट वो कम करना चाहती है। इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है एजुकेशन में, जिसके तहत जो फीस है उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा, जो भी फीस है उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा। अपने देश में शिक्षा का GDP में इन्वेस्टमेंट है, GDP का इन्वेस्टमेंट है 1.6%, वो अब गवर्नमेंट बढ़ा के चाहती है 6% अपना GDP का इन्वेस्टमेंट हो शिक्षा में। इसके लिए गवर्नमेंट पूरा ध्यान देना चाह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको फीस वगैरह जो है वो कभी कभी ज्यादा चार्ज की जाती है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट अब ध्यान रखने वाला है। और सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट बढ़ावा देने वाले है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। अपने देश का GDP जो है वो 6% तक बढ़ाने की गवर्नमेंट ने ठान ली है। तो ये है एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दे अगर हम बात करें तो जैसे हम बोलते हैं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये अभी स्कूली बच्चों के लिए 5+3+3+4 होगा। बच्चों को अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ उनका जो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री तक पूरा का पूरा उसमें कवर हो जाएगा। बच्चे के वोकेशनल और साथ ही साथ करिकुलम, साथ ही साथ उसके अदर एक्टिविटीज सारा काउंट करके उसका रिपोर्ट कार्ड बनने वाला है बच्चों का, स्कूल के बच्चों का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें गवर्नमेंट ने नए योजना के तहत बनाई है। तो आपकी इस पॉलिसी के रिलेटेड क्या राय है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।